स्कूल, मैं क्लास 9th को आज हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। और जैसा कि स्पर्श भाग 1 में क्लास 9th के पार्ट 1 पहला चैप्टर धूल है और इसके लेखक राम विलास शर्मा है। आपके धूल पाठ में राम विलास शर्मा जी गांव के रहने, पहले उनके जीवन से परिचित हो जाते हो, आप लोग भी उनके जीवन से पहले परिचित हो जाइए। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? राम विलास शर्मा जी का जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। राम विलास शर्मा जी का जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था और उनका जन्म एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, गांव में ही रहकर वह अपनी शुरुआत की पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने लखनऊ गए और लखनऊ में रहकर इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट में यानी अंग्रेजी के विषयों में इन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद ये विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में यानी प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुए और वहाँ उसी दौरान इन्होंने पीएचडी किया। वे गांव में के रहने वाले थे। गांव और शहर में अभी जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। गांव की मिट्टी में वे खेल कर बड़े हुए। उसमें गांव की मिट्टी में वह ताकत होती है जो शहर के लोगों को वो नहीं नसीब होती है। आपके पाठ्य पुस्तक में ये राम विलास शर्मा ने धूल चैप्टर से का वर्णन इसलिए किया कि वह गांव में रहकर धूल में ही रहकर वह पले हैं और बड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने आगे आपके धूल चैप्टर में क्या बताया गया है इसका वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने कहा, एक हिंदी की छोटी सी कविता है जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, मतलब कि जिसके कारण धूल भरे वे हीरे कहलाए। वो बच्चा जो धूल में खेलता है और उसमें बड़ा होता है, वो जितना मजबूत होता है, एक किसान खेत में काम करता है, दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात मिट्टी में ही लगा रहता है, मिट्टी से जूझे रहता है, उसमें जो ताकत होती है वो आज के शहरों में ताकत नहीं। आज के शहर वाले लोग धूल से बचना चाहते हैं, एसी में रहना चाहते हैं, इसलिए गांव के लोग बीमारी से ग्रसित ना होते हैं। अधिकतर देखा गया है कि शहर के लोग ही बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया कि वह हीरा चमकता हुआ, जब आंखों को चकाचौंध करने वाले हीरा, जितना मजबूत नहीं होता है उतना धूल भरा हीरा मजबूत होता है। वह देशभक्त के लिए अपने आज वह हीरा ही मेहनत करता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। धूल में वो उत्पन्न होता है, धूल में दिन रात लगे रहते हैं और सुदौर होते हैं, मजबूत होते हैं। इसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरे से भी बड़ा होता है। गांव का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो धूल में न खेला हो, गांव का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो धूल में न खेला हो। किसी के मुंह पर जो धूल लगती है तो उसकी सुंदरता में निखार आ जाती है। वो शहर के बच्चों में वो सुंदरता में निखार आज के युग में वो सुंदरता नहीं मिलती है, वे सुंदरता देखने को भी नहीं मिलती है। आज हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है। अधिकतर देखा गया है अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, वैसे लोग ज़्यादा कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। जो धूल से बचकर इस बिल्डिंग बना बैठे हैं और एसी में रह रहे हैं वे लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, वो लोगों की मृत्यु हो जा रही है। आज हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है, इसलिए वो बच्चे को धूल से बचाती है, कहती है बाहर मत जाओ, धूप है, बाहर मत जाओ, धूल है।
लेकिन उसे डर है कि धूल में इसकी जो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो सुंदरता है वो खराब हो जाएगी। एक कविता और कहा गया है, धन्य धन्य है वे नर, धन्य धन्य है वे नर, मैं ले जो कहत गात, गात मतलब शरीर होता है। तो ये कविता, कनिया लगाए धूरी ऐसे लड़ी कराने की, कहा गया है कि धन्य धन्य है वे नर, मैं ले जो करत गात, कनिया लगाए धूरी ऐसे लड़ी कान की। मतलब लेकिन ये कविता जो लिखे हैं या ये कविता जिनके द्वारा लिखी गई है, वे कविता को लिखने से ऐसा लग रहा है कि वे तो धूल से काफी नफरत करते हैं, वे धूल से काफी नफरत करते हैं, धूल धूल के प्रति हिंसा हीनता से ग्रस्त है, उसको हीन भावना से देखते हैं, वह धूल से तन, वह सोचते हैं कि धूल से हमारा शरीर गंदा हो जाएगा। इस तरह के जो कवि हैं वो अखाड़े की जब मिट्टी को देखते हैं तो उनको उबकाई आने लगती है, उनको वोमिटिंग टाइप का होने लगता है। और परंतु अखाड़े की मिट्टी मनु आज के युग में अखाड़े की मिट्टी मनुष्य को नसीब नहीं है। अखाड़े की मिट्टी तेल और मट्ठे से रिझाई हुई बनाई गई मिट्टी होती है, और जब अखाड़े की मिट्टी से लथपथ होकर के जब पहलवान ऊपर आता है तो उसकी चेहरा में, उसके बॉडी में, उसके शरीर में पूरी चमक भर जाती है। और लेकिन जब इस तरह के कवि लेकिन जब अखाड़े की मिट्टी को देखते हैं तो उन्हें उबकाई आने लगती है, और ये क्या कहता है उसको कि ये लेकिन अखाड़े की मिट्टी आज के युग में बहुत दुर्लभ है, ऐसा मिट्टी मिलना मुश्किल है। मिट्टी से लथपथ मनुष्य पसीने से होकर मिट्टी में खेलता है, और वो मिट्टी से ही अपने शरीर का निर्माण करता है। मिट्टी और शरीर दोनों अलग जरूर हैं, मिट्टी और शरीर दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों अंतर नहीं है, किंतु जीवन के सभी सार तत्व तो मिट्टी से ही बने हैं। रूप रंग गंध स्पर्श सभी चीज मिट्टी से ही उत्पन्न हुए हैं और मिट्टी से ही मिलता है, ऐसे मिट्टी से घृणा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी से न धूल, क्या धूल में पानी पड़ गया तो वो मिट्टी है, धूल में पानी पड़ गया तो वो मिट्टी है। लेकिन हम लोग धूल को गर्दा कहते हैं, लेकिन गांव वाले लोग इसे गर्दा नहीं कहते हैं, गांव वाले लोग भूल कर भी धूल को गर्दा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज धूल गो धूली शब्द में, गांव वाले लोग धूल को गोधूली शब्द में प्रयोग किए हैं, गायों की धूली, ग्वालों की धूली। जब धूल चमकती है सूरज की किरणों, जब सूरज की किरणें धूल में पड़ती है तो वह धूल चमकती है, और शाम के बाद जो धूल रूई के बादलों की तरह आकाश में छा जाती है, चांदनी रात में गाड़ियों के जब गाड़ी मोटर साइकिल ये सब शहर में है, लेकिन इनके जो इनके द्वारा जो धूल उड़ती है उसे गोधूली शब्द कहना सार्थक नहीं है। लेकिन गांव में गाय भैंस बकरी और ग्वालों के पैरों के द्वारा उड़ी गई धूली को गोधूली कहेंगे, लेकिन ये गाड़ी मोटर की धूली को धूल गोधूली नहीं कहेंगे। शहर के लोग गोधूली शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह गोधूली कहना सार्थक नहीं है, निरर्थक है। और जब चांदनी रात में धूल, जब बच्चे को, एक छोटा बच्चा के मुख पर जब धूल पड़ता है शाम में, और फूलों की पंखुड़ियों पे जो धूल पड़ती है उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी को धूल कहते हैं। गोधूली गोधूली, गांव के लोग गोधूली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन शहर के लोग को ये नसीब नहीं है, वे लोग, क्योंकि वे लोगों को गोधूली करना सार्थक नहीं है। धूल हीनता की नहीं महिमा की प्रतीक है, धूल को हम हीन दृष्टि से नहीं देखेंगे, ये महिमा का प्रतीक है, और लोग अपनी श्रद्धा भक्ति से
स्नेह प्रकट करने के लिए धूल को माथे पे लगाते हैं, और कुछ लोग अपने मातृभूमि पर जब लौट के आते हैं तो उस मातृभूमि के धूल को अपने माथे पे लगाते हैं। और लेखक इस पाठ में वर्णन करते हैं, और इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें धूल से नफरत नहीं करनी चाहिए, धूल से हमें कांच से प्यार करने वाले जितने भी शब्द लोग हैं वह हीरे से धूल से लिपटे हीरे को पहचानने की कोशिश करें, चकाचौंध कर देने वाले हीरों को नहीं। हीरे एक दिन धूल में लिपटे हीरे अपनी अमरता का प्रमाण देंगे, और लेकिन उलट कर चोट करने लगे तो कांच और हीरों का भेद पता चल जाएगा। जब ये अपनी प्रमाणता का प्रमाण देंगे तो आप लोगों को हीरे का और धूल भरे हीरे का महत्व पता चल जाएगा, और विवश होकर हीरे से लिपटी धूल को माथे पर लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए इसमें यह बताया गया है इस कविता में कि आप लोग भी चमकता हुआ हीरा को नहीं धूल भरे हीरे को अपने दृष्टि से अच्छी तरह से परखिए, पहचान कीजिए। और आपकी ये वीडियो में आपके पाठ वन चैप्टर में ये वीडियो में धूल के बारे में बताया गया है। इसका कठिन शब्द जो है ये आप लोगों को अगले वीडियो में लिखवा देंगे, और उसके बाद ये पाठ में जो दिया गया है उसको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।